हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप लोगों को मेरे एक नए ब्लॉग पे। आज हम इस ब्लॉग में जाएंगे मेरे होम टाउन पे और मेरा थोड़ा ऑफिशियल काम है उसको भी निपटाएंगे और मेरा बाइक का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चुका है उसको ठीक कराना है। हम लोग हार्ड ब्लॉग शूट करते टाइम बाइक का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था उसको ठीक कराएंगे और मेरे कजिन है वहाँ से उसको पिकअप करना है और मैं खुद जाऊँगा थोड़ा पेट पूजा करने ढाबे में, मेरे को बहुत भूख है। तो गाइस लेट्स, मैं अपनी बाइक को भी थोड़ा दिखा देता हूँ ना। लिटरली आप लोगों ने थर्ड ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बाइक लेके गिर गया था, ठीक है ना, तभी से वाला प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ पे क्लच केबल जो है यहाँ से थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया था, जिससे देखिए कैसे कैसे जोड़ के मैं चला रहा हूँ। तो इसको भी ठीक करवाना है, मैं भी पूरा रेडी, हमारी हॉट हॉट सिंड्रेला भी रेडी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे यार आ जाए, देखो हमारी सिंड्रेला और मैं तो अपना हवाई चप्पल लेके आज पूरा रेडी। Let's roll with the next one. One eternity later. तो गाइस हमने खाना ऑर्डर दे दिया, हम लोग ऑलरेडी रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। तड़का रोटी मैंने दिया, साथ में बटर भी रहेगा, खाते हुए आप लोगों को डायरेक्टली दिखाएंगे। बहुत एक्साइटेड यार, भूख लगी, उस भूख के टाइम अगर खाने के चीज के पास में आ जाओ तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ। अच्छा अलग बात है मैं पतला दिखा, लेकिन ये सब चीजें खाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। लिटरली गाइस हम खत्म कर चुके हैं, काफी मजा आ रहा है और ये मजा मैं हिंदुस्तान हर एक व्यक्ति को देना चाहूंगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहूंगा। लो मजा ले लो भाई, मजा ले लो, मजा आ गया। तो भाई हम लोगों ने इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, रेस्टोरेंट नहीं कह सकते, ढाबा मामना सा नाम है, ठीक है ना। तो खाना काफी मस्त था, बस कमी तो एक ही चीज की थी, वाइफ की। कुछ भी सर मैं मजाक कर रहा था भाई, जिसकी कमी नहीं है भाई। लाइफ में मैंने अकेले खाना सीख लिया, ठीक है ना, अकेले स्टैंड करना लाइफ में इतना, मतलब मैंने धोखा खाया। चल झूठा, बस बस आप समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए रोल करते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो अभी मेरे को कॉल की और यहीं पे बुलाई देवनाथ वस्त्रालय, लेकिन वो दिख नहीं रही है, कहाँ पे गई यार, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, देखते हैं चलो उसको कॉल करते हैं। ताने किधर गई, कॉल कर ले रहा हूँ। One eternity later. मिली मुझे, अपना ये पर्स पकड़ा के गई है, अपना अम्ब्रेला भूल चुकी है, कहाँ पे घुसी अभी हम लोग फिर से। ये देखो मास्क लगा के आ रही है, उसका थोबड़ा उतना अच्छा नहीं है बोल के, गजब बेइज्जती है। मुझे को मुँह छुपा रही, इसका थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है इसके साथ बाद में बात करते हैं। मन ने बताया कि मिठाई लेने के लिए हम उसके लिए ये ले रहे हैं और ये भी खाए, भी खाएगी घर पे जाके, इसका भी तो भेज दे इन लोगों का, पूरा भेज दे, ये वाला पैक कर दो, 6 पीस শখ দেখ রে না বাবা বালি নহলে শখ ইসে গাইস হম লোক ইসকো লে চুকে হ্যাঁ পিকআপ কর লিয়ে হম ঘর পে যা রে বারিশ মতলব ছোটে ছোটে বুন্দে মতলব ইতনা ইরিটেটিং হ্যাঁ ক্যা বতাও মতলব আপ লোগো দিখ রা হোগা শায়দ সে ভিডিও মে बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है यार, मेरे फेस पे आ रहा है, हेलमेट खुला छोड़ा हूँ ना और हेलमेट बंद करने से भी आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं देगा। और एक्चुअली मैं कैमरा रोल नहीं करने वाला था, दो तीन बातचीत करनी थी, मतलब पहले ना क्या होता था मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, एनजाइटी लाइफ में, मतलब बहुत एनजाइटी थी, हर छोटे छोटे बातों को लेकर सैड हो जाता था, यही बात थी। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने चैनल खोला है, ठीक है ना, जब से कोई भी एनजाइटी नहीं है लाइफ में और कोई भी टेंशन फ्रस्ट्रेशन, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ख़त्म ही हो चुका है सब कुछ ऑलमोस्ट,
फ्रस्ट्रेशन भी आप बहुत हद तक कम गया, एनजाइटी तो होता ही नहीं। चलो जो चीज़ डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, एटलीस्ट यूट्यूब चैनल आने से ठीक हो, एटलीस्ट ठीक हो गया। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, अपने भाई को एनजाइटी से बाहर निकालते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू फिर से, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में, सॉरी 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये देखो गाइस, सुमन ने जो मिठाई बोला था उसको ला कर दिए हैं, खुलवा है। ये देखो, मतलब नाम लिखा है संजुक्ता, फिर भी पूछ रही है मंजू बकरी या संजुक्ता। इसके 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 तो शौक नवाबे वाले, इसने एक अलग मिठाई घुसाया है। इंटेलिजेंट, ये देख लो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का आई भी नहीं है। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। ये देखो, ये तो एक्सट्रीम लेवल का मिठाई हो गया आज। देख रहा, मुंह से पानी आ रहा है इसे। मुझे पानी आने की वजह से मेरा मुंह से बात भी नहीं निकल रही है। ये मेरा है, एक्स्ट्रा वाला। इसमें से आधा मुझे दे देना। आंटी का फेस भी लाइक सलाम को कोई पूछ ही नहीं रहा है। आधा मुझे दे देना, प्लीज रिक्वेस्ट कर दूंगी। हमको मत दिखाओ, उतर तेरे को सामान आधा दिला दे। आधा दिला तई रे, आधा दिला तई रे, नहीं आधा दिला तई रे, अकेले अकेले खा रही है। तुझे पास्ता लिया वही सोच, सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये 5 अकेले खाएंगे, देख लो गाइस। पेटू की ज्यादा मानुस एमनो तोरे देखिया चिन्हो बुझो, थंबनेल देखिया, लोग थंबनेल देख के तुझे मतलब पता चल जाएगा तू कैसी है। तो कैसे यूट्यूबर बन गया तो मुझे बेइज्जत करेगा तू? नहीं नहीं, 4 और एक हाथ में 5, और बेचारी अकेले, फिर भी तू उससे अपना उस मतलब उसके खाने में से तू बोलिए मुझे दे दे, ऐसे नहीं होना। मासी को दो, मासी को दो। तू बिना कैमरे में जब मैं तुझे बेइज्जत कर, मासी गुटका खा। नहीं जरूरी नहीं है, टेस्ट भी मैटर करता है। संजीता कौन है? मेरे पट्टे पे जो आया था उससे ये वाला अच्छा लगा। नहीं, ये बहुत चालू है, ये अपना एक अलग, पता नहीं कितना करके लिया रे, पता नहीं, 20 रुपए, 15 नहीं 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 15। ये देखो इसका, ये दिमाग लगा रही है, ये तो खा रही है खुद का, बाद में लाखने बोलेगी मुझे इसमें से भी एक दो। नहीं तो 1 मिनट खास लोते हैं, बोल तो फिर से बोल तो, क्या करेगा? काटेगा, ये मुझे काटेगा। मिस्टी मिठाई कैसा लगा? लग रहा है कि एक रसगुल्ला के ऊपर थोड़ा क्रीम दे दिया, मतलब हम लोग को क्या बोलो, फुटबॉल बना दिया। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम से दूसरा वाला लाएंगे, जो बाहर से सुंदर दिखाई देता है अंदर से अच्छा, वही वाला ध्यान ले लो गाइस। जो बाहर से रूप रंग से सुंदर होता है ना, वो दिल के अच्छे नहीं होते, जो ऊपर से जैसे मेरी तरह काले कलर के होते हैं वो दिल से बहुत ही अच्छे होते। आई होप इस बात से मामन हार्ट नहीं हुई होगी। अरे मिठाई मिठाई कैसा था रे? मिठाई मिठाई मिस्टी के बस लो बाबा, भालो भालो मतलब भालो अच्छा था। मासी रे रिव्यू ली, मिठाई कैसा लगा आप बताओ? एकदम वेरी नाइस। मासी को अच्छा लगा, मतलब सबको अच्छा लगा। तुम लोग बेईमान हो, खाए और बेईमान ही है। हाँ बात तो वही है, थोड़ा मॉडिफाई करके 5 रुपए ज्यादा ले लिया। इससे ज्यादा अच्छा है कि हमारे सोना के जैसे मोहल्ला मामा के दुकान से रसगुल्ला लेके आ जाता, 10 रुपए में मिल जाता। लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ठीक है, शाउट आउट टू मोहल्ला मामा, नेक्स्ट टाइम मोहल्ला मामा के वहाँ जाएंगे। कुछ भी, कुछ भी। मंदे में डिसाइड किया है कुछ दिन बाद वो भी ब्लॉग बनाएगी, तो उसको आज प्रैक्टिस करवाते हैं।
आज मैंने मेरे चैनल का आउट्रो देखे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। आउट्रो दे दो मेरे चैनल का। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। जो लड़का काम करता था, इधर उधर नहीं जाता था ज्यादा टाइम, वो अभी जा रहा है, जगह जगह पे जाके दिखा रहा है आप लोगों को, गाँव का व्यू दिखा रहा है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे भाई के साथ आप सभी लोग स्टे ट्यून रहिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए एंड आल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।